Hi guys, it's Shivangi and it's Toto. Welcome to our channel. Yes, because Toto हमारी ज़िंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा है. Okay, Toto? Thank you. Anyway, moving on with this video. आपकी नज़र जा चुकी है मेरे इस आलीशान डब्बे पे. So let me tell you, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यार जाके देख लो. मैंने अपनी सारी आर्ट सप्लाईज दिखाई थी जिसमें से ये सुनहरा डब्बा भी था. सो दिस इज अ पिंक बॉक्स जिसके लिए मैंने अपनी लाइफ में बहुत वेट किया है. एंड ये मेरी दीदी ने मुझे यूएस से भेजा था आज से 16 से 18 साल पहले. दिस इज अ प्लास्टिक बॉक्स एंड इसके अंदर काफी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की आर्ट सप्लाईज हैं, व्हिच इज जस्ट अमेजिंग. ओके, सो मैंने जिंदगी में बहुत कम यूज किया है. आप ये बोल सकते हो किया ही नहीं है, बिकॉज मुझे डर लगता था कि यार ये खत्म ना हो जाए. एंड अब सोचो ये सब 18 साल हो चुके हैं, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है. सो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ. आज मैंने अपनी दिल पे पत्थर रख के ये फाइनली सोचा क्यों ना मैं इसको यूज करूँ. एनीवे गाइस, अब मैं आपको जल्दी से क्लोजर लुक दे देती हूँ इस पिंक बॉक्स का. बाय द वे ये प्लास्टिक का है एंड इसके अंदर 67 पीसेस हैं. माइंड इट, 67 पीसेस ऑफ वाटरकलर वैक्स क्रियॉन्स, स्केच पेन्स एंड कलर पेंसिल्स. एंड आई एम श्योर यार ये ना स्केच पेन्स चलते ही नहीं होंगे. लेट्स ट्राई इट आउट. वैसे फैंसी तो बहुत है ये, बट इसमें तीन चीजें मिसिंग है. वन रूलर, सेकेंड ग्लू, थर्ड शार्पनर, फोर्थ इरेजर एंड फिफ्थ ब्रश. यार ब्रश नहीं है इसमें. एनीवे मैं इसी में पड़ी हुई अपनी पेंसिल को शार्प करके यूज करना स्टार्ट करूंगी. इस पेंसिल की क्वालिटी काफी सही लग रही है. क्या बात है. एक बात बताना मैं आपको भूल गई कि ये वाला जो मैं आज इलस्ट्रेशन बनाने वाली हूँ ये होने वाला है 1 million स्पेशल. सो मेरी स्केचिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है एंड बीच में जो ये टेडी है ना ये मैं हूँ. एंड इसके अराउंड जितनी भी कैरेक्टर्स है वो सारे लोग आप हो यार. यस, सो दिस वाज द सरप्राइज. अभी मैं इन सबको पेंट करके आपको बताऊंगी क्या मीनिंग है, क्यों है, कैसा है, कब है, कहाँ है. लुक एट दिस, दिस इज सो प्रिटी. आई एम गोना वेट माय कलर्स नाउ, देन मैं जल्दी से खुद ही को पेंट करना स्टार्ट कर दूंगी. बिकॉज मैंने बोला था ना ये टेडी मैं हूँ. सो यस, आई एम गोना डू दैट. एंड डोंट वरी, मैं आप सबको भी पेंट करूंगी. सबर करो, सबर करो, सबर करो यार. मेरा बहुत मन था बहुत टाइम से कुछ क्यूटी टाइप बेबी टाइप इलस्ट्रेशन बनाने का, पेंटिंग करने का. एंड दैट इज व्हाई आई थॉट क्यों ना 1 million का सेलिब्रेशन ऐसे ही हो जाए. डूड आई एम नॉट इवन किडिंग, इस वॉटर कलर का टेक्सचर एकदम मिट्टी जैसा है. एग्जैक्टली ऐसा होता ना मिट्टी में हमने पानी मिला दिया है, इट्स एग्जैक्टली द सेम. सो दैट इज व्हाई द क्वालिटी ऑफ द कलर्स काफी बकवास है यार. बट एनीवे हमें करना पड़ेगा क्योंकि मैंने वादा किया आप लोगों से एंड अपना वादा वादा तो निभाना पड़ेगा. एनीवे गाइस, अब मैं अपनी कलरफुल गीली मिट्टी से पेंट करना स्टार्ट कर दूंगी एंड वंस दैट इज डन मैं बाकी एलिमेंट्स को भी जल्दी से कलर करूंगी. बाय द वे आप लोग को पता है ना कि ये सारे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आप लोग हो. सो कॉमेंट करके बता दो आप कौन सा वाला एलिमेंट हो. एंड ऑफकोर्स यार मैं 1 million तो नहीं बना सकती थी, तो जितने मुझसे पॉसिबल हुए एक पेंटिंग में मैंने बना दिए. सो आप लोग उसी में से डिसाइड कर लो यार कि आप क्या हो, क्यों हो, कैसे हो एंड आपका नाम क्या है. एनीवे अगर आपके पास और भी टाइम है ना तो मुझे काउंट करके जरूर बताना कि इसमें टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं. बाय द वे जानबूझ के मैंने इसमें बैकग्राउंड में डार्क कलर चूज किया है जिससे कि जो मेरे बाकी के एलिमेंट्स हैं उन्हें ज्यादा ब्राइट कलर ऐड कर सकूं एंड ज्यादा कॉन्ट्रास्ट लगे. ऑल्सो मेरा आइडिया ये है कि मैं फर्स्ट बेस पे ना सिर्फ वाटर कलर्स यूज करूँ एंड वंस दैट इज डन मतलब ड्राई होने के बाद ना मैं इसमें पेंसिल कलर्स यूज करूंगी. नाइस आइडिया राइट. एनीवे इनकी क्वालिटी ज्यादा खास नहीं है. वैक्स क्रियॉन्स तो मतलब और भी डूबे हुए हैं यार ऑन अ लिटरल सेंस. बुराइयों को साइड में रख के अब हम फाइनली कलर पेंसिल्स को यूज करेंगे एंड ऑफकोर्स यार मैं बहुत सारी डिटेल्स ऐड करूंगी बिकॉज आई लव डिटेल्स एंड यू नो इट. एनीवे सो यहाँ पे ये है छोटा सा केक का पीस जिसके ऊपर है चेरी. एंड चेरी भी एक कैरेक्टर है. इसका नाम मैं रख रही हूँ चेरू. ओके, हेलो मिस चेरी. हाय. एंड देन आवर सेकंड कैरेक्टर इज दिस फ्लावर. इसका नाम मैं रख रही हूँ पुष्पा. हाय पुष्पा. हाय. एनीवे
यार अब मैं जल्दी से खुद को कंप्लीट करती हूँ, आई मीन खुद का कैरेक्टर कंप्लीट करती हूँ, एंड डू नॉट वरी, मैं यहाँ पे सिर्फ आउटलाइंस नहीं बना रही, यहाँ पे ना मैं शेडिंग भी करूंगी. ओके, एनीवे, सो वंस दिस इज डन वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद अदर कैरेक्टर्स. मैं गलती से अगर किसी भी कैरेक्टर का नाम अगर रखना भूल गई यार, तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बता के मेरी हेल्प कर लेना, गलती तो इंसान से होती है ना यार. अब ना मैं स्केच पेन्स की हेल्प से कुछ ना कुछ डिटेल्स बनाऊंगी, ट्राई करें, कितनी बकवास है यार ये. आई मीन पहले मैं कितनी एक्साइटेड थी और अब देखो, बट इट्स ओके, मैं कुछ ना कुछ लास्ट में ढंग का बना ही दूंगी, आई प्रॉमिस यू गाइस. आई ट्रस्ट यू. यार ये ना इतना अच्छा लग नहीं रहा, बट लेट मी टेल यू, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब आज ही. ओके, टिल देन अगर आपको मेरा अभी तक का प्रोसेस अच्छा लग रहा है तो प्लीज यार लाइक करना मत भूलना, एंड आपको पता है ना मैंने दूसरा चैनल भी शुरू कर लिया है, शिवांगी सा अनकट, तो फॉलो क्यों नहीं कर रहे बताओ मुझे, अभी के अभी जाके कर लो यार. ओके गाइज, बाय द वे इस बटरफ्लाई का नाम है कुई कुई, सो आप लोग देख लो आप में से कुई कुई कौन है. एनीवे, जो मैंने यहाँ पे छोटू सा पता नहीं क्या कैरेक्टर बनाया हुआ है यार ये, बट मैं इसका नाम रख रही हूँ गुशी. हाय गुशी. हाय. एंड देन वी हैव पिंटी. यार आपको नहीं लगता कि मैं कितनी रैंडम नाम रखती हूँ, मतलब अगर आपको कोई नाम इसमें अच्छा नहीं लगना ना तो आप उसका नया नाम बता देना, बिकॉज आई थिंक आई एम वेरी बैड एट नेम्स. से हाय पिंटी. छोटू क्यूटू. एनीवे गाइस, पिंटी को कंप्लीट करने के बाद दिस इज व्हाट द फाइनल पीस विल लुक लाइक. आई एब्सोल्युटली लाइक इट, मतलब मैंने नहीं सोचा था कि इतने रद्दड़ क्वालिटी की चीजों से इतना कुछ बन सकता है, ऊपर से दिस वाज अ मिक्सचर. सो यस, आई मीन यार मतलब इसकी वाटर कलर की क्वालिटी एज अ सेड वो तो मिट्टी थी ना, तो जैसे ही वो सारी चीजें कम्प्लीट हो जाएंगी मैं अपने कलर्स को अपनी प्लेस में रखूंगी, आई मीन उनकी प्लेस में रखूंगी, एंड देन वी आर डन. एनीवे गाइस, सो दिस That's it for today's video. Do let me know in the comment section below, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? यार, thank you so much. We are a family of 1 million people. मतलब 10 लाख लोग एक चैनल पे, वो भी एक चैनल नहीं, मेरे चैनल पे, हमारे चैनल पे, which means a lot to me because when I started this journey, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी आगे तक आ पाऊंगी. मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं वापस से इमोशनल नहीं होना चाहती क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियोस में काफ़ी रोल हो चुकी हूँ, बट येस मैं वापस से ही बोलूँगी थैंक यू सो मच. मैंने नहीं सोचा था कभी अपनी ज़िंदगी में कि मैं ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था एंड जिनके 100K भी होते थे ना, मुझे ऐसा लगता था ओ माई गॉड क्या सही लाइफ है ना इनकी, 100K सब्सक्राइबर्स, एंड मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मतलब दिस वॉज नॉट इवन पार्ट ऑफ माई गोल कि 1 million होगा. एंड कोई मुझे बोलता था ना अब तो 100K हो गए हैं, अब तो 1 million होना चाहिए, मैं ऐसे बोलती थी भाई क्या बोल रहे हैं ये, पता है ही नहीं 1 million क्या होते हैं. थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, दिस रियली मींस अ लॉट टू मी, बार बार रिपीट कर रही हूँ बट समझ जाओ. वीडियो अच्छी लगी कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय, मिलते हैं हम अगले हफ्ते, एंड यू नो इट राइट, आई लव यू गाइस.